अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी कॉपीज़ भी कंप्लीट कर चुके हैं और टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ऑलराइट, सो मेजरमेंट किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट क्या होता है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, क्योंकि मेजर करना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट मेजरमेंट हम कपड़े भी नहीं सिलवा सकते, हम जूते भी नहीं ले सकते, और लाइफ में हर जगह हर चीज़ में मेजरमेंट काउंट होती है। जैसे कि जब हम बर्तन लेने जाते हैं तो हमें कप्स और ग्लासेस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट क्वांटिटी में मिलती हैं, और उसी हिसाब से केजीज में कभी कभी बेचे जाते हैं, कभी कभी क्वांटिटी में, लाइक 6 मग्स 6 ग्लासेस। और जैसे बनानास लेते हैं तो वो हमें डज़न के हिसाब से मिलते हैं। डज़न क्या होता है, 12 बनानास इन 1 डज़न। ऑलराइट, सो एग्स लेने जाते हैं उनकी अलग क्वांटिटी होती है, और इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जिनमें हम मेजरमेंट्स जिनकी मेजरमेंट्स करते हैं, और उन्हीं मेजरमेंट के बेसिस पे हमें प्राइसेस पता चलती हैं, हम अपनी लाइफ को प्लान करते हैं। विदाउट मेजरमेंट हमारी लाइफ बहुत बोरिंग और बहुत कंफ्यूज हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास एक ब्यूरो है जो कि वेट और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। उन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हमारे लिए बना दिए हैं, जैसे डजन, केजीज, किलोमीटर्स और डिफरेंट जैसे सेंटीमीटर्स, मीटर्स। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में उस ब्यूरो ने इन सब चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। खैर, जैसे जैसे हम बड़े होंगे, हम नई क्लासेस में जाएंगे, हमें और क्लियर होता जाएगा। आज हम पढ़ते हैं कि लेंथ, मास और वॉल्यूम, टाइम क्या होता है और किस तरह से काउंट किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ क्या होती है। लेंथ क्या होती है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो बीच में डिस्टेंस है, बीच में डिफरेंस है, उसको लेंथ कहा जाता है। वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, और वो ऐसे भी हो सकता है। ऑलराइट, सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो बीच में डिस्टेंस काउंट करना होता है, उस डिस्टेंस को काउंट करने के लिए हम लेंथ, उसको लेंथ कहा जाता है, उसको लेंथ फाइंड करना कहा जाता है। अब लेंथ किस पैमाने से काउंट की जाती है, मीटर से, और जब मीटर्स 1000 हो जाते हैं तो वो किलोमीटर हो जाते हैं। ऑलराइट, सो जो बड़ी लेंथ्स होती हैं उनको हम बड़ी मेजरमेंट के साथ काउंट करते हैं। ज़्यादातर बेसिकली जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि लेंथ को हम किलोमीटर या मीटर से ही काउंट करते हैं, बड़ी चीज़ की लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप देख सकते हो हमारे पास स्केल है, स्केल होता है, मेजरिंग स्केल होता है लेंथ काउंट करने के लिए। तो अभी ये तो छोटा स्केल है, छोटी चीज़ के लिए है, तो इस पर सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर 100 हो जाते हैं तो 1 मीटर बन जाते हैं। ऑलराइट, सो मीटर जो है वो 1000 होते हैं तो किलोमीटर हो जाते हैं। खैर, ये डिटेल्स जो हैं हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस वक्त आपने जहन में रखना है कि लेंथ को जो है मेजर करने के लिए हम किलोमीटर या मीटर यूज़ करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद बारी आती है मास की। मास जो है वो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग कंटेन, मतलब कोई ऐसी चीज़ हमारे पास है जिसके अंदर एक कोई मैटर है, मतलब कोई भी चीज़ है, एक कंटेनर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव दिस टिश्यू बॉक्स। ऑल राइट, इस टिश्यू बॉक्स के अंदर क्या है, टिश्यूज़ हैं। ऑल राइट, ये इस बॉक्स का मैटर है, और इसका वेट कितना है, क्योंकि इस बॉक्स का इटसेल्फ इतना वेट नहीं होगा, इसका वेट ज़्यादा होगा इसके अंदर जो चीज़ है उस वजह से। ऑल राइट, सो इसका वेट काउंट करने के लिए इसको मास कहा जाता है। इसका मास क्या है, ठीक है, या फिर इसको दूसरे लफ्ज़ों में वेट भी कह सकते हैं। ऑल राइट, सो अब इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा
यूनिट ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं, ग्राम या फिर किलोग्राम। ऑल राइट, सो वेट या मास काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम या किलोग्राम, क्योंकि ये छोटी चीज़ है, इतना हैवी वेट नहीं है, तो इसमें ग्राम्स काउंट किए जाएंगे। ऑल राइट, और अगर हैवी चीज़ होगी तो किलोग्राम्स के ज़रिए मेजर किया जाता है। उसके बाद बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक। अब आप देख रहे हो ये टिश्यू बॉक्स है, राइट, इसके अंदर एक मास है, वो तो वेट काउंट करने के लिए हमें इस तरीके से मेजर किया जाता है ना, ठीक है। अब हम इसकी साइड पे लिफ्ट भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं, लेकिन वेट मेजर हो जाएगा। ऑल राइट, सो वो होता है केजीज या ग्राम्स में। बारी आती है कि ये स्पेस कितना ले रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो ये स्पेस कितना ले रहा है, इसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसकी सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स, क्योंकि छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ होगी तो उसका ज़्यादा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या होता है कि ये बॉक्स कितनी जगह लेगा टेबल के ऊपर रखने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, स्पेस, इसकी स्पेस कितनी है, इसके स्पेस कितना है और इसको कितनी जगह चाहिए होगी स्टे करने के लिए। तो उसको, उसके लिए हम स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टिक जिसके ऊपर मेजरमेंट लिखी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं काउंट करती हूँ इसको सेंटीमीटर से, तो आप देखें कितने सेंटीमीटर्स बनेगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड करेंगे, तो ये है जनाब 16.5 सेंटीमीटर। 16.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ऑलराइट, साइडें इसकी कितनी है, 10.5। सो दो साइड से ये 16.5 है, दो साइड से ये 10.5 है, इतनी ही जगह इसको चाहिए होगी किसी जगह पे रहने के लिए, तो वो इसका वॉल्यूम है। ऑलराइट, उसके बाद आ जाता है टाइम। टाइम क्या होता है, जो हमारा टाइम गुजर रहा है, मूविंग, मूव हो रहा है, वो टाइम जो है हमारा, उसको टाइम का तो आप सबको पता है कैसे मेजर किया जाता है, सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स जो होते हैं वो 1 मिनट होता है, 60 मिनट्स जो होते हैं 1 आवर हो जाता है। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ वी मेजर आर 4 थिंग्स, लेंथ, मास, वॉल्यूम एंड टाइम। ओके, उसके बाद बारी आती है, रिपीट करते हैं, लेंथ क्या होती है, किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं लेंथ। मास क्या है, वेट के किसी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अ बॉक्स, तो इसका वेट कितना है, इसको, इसका वज़न कितना है। कुछ चीज़ें वज़न के हिसाब से बिकती हैं तो हमें वज़न की मेजरमेंट चाहिए होती है, कुछ चीज़ें वॉल्यूम के हिसाब से बिकती हैं तो हमें उसके लिए वॉल्यूम फाइंड करना होता है। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी एक कंटेनर है, कोई भी एक चीज़ है, बॉक्स है जिसके अंदर सामान है या नहीं है, तो उसको किसी जगह पर रहने के लिए, रखने के लिए कितना जगह चाहिए है, उस जगह को फाइंड आउट करने के लिए उसका वॉल्यूम कहा जाता है। स्पेसिफिक चीज़ का वॉल्यूम कितना है, आप इनको इजी लफ्ज़ में ये भी कह सकते हो कि इसका साइज़ कितना है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में ज़्यादातर कहा जाता है इसका वॉल्यूम कितना है। उसके बाद टाइम की बारी आती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेंथ है, एक डिस्टेंस है, एक बड़ी लेंथ है, मतलब कि हम जब वॉक कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। उस ज़्यादा डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमें डिस्टेंस कवर भी करना होता है, तो वो जो ज़्यादा डिस्टेंस है उसके लिए हम किलोमीटर काउंट करते हैं, और जो छोटे डिस्टेंसेज हैं उनके लिए सेंटीमीटर या मिलीमीटर यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, कहीं और जाते हैं, टाइम तो लगता है ना, तो वो जो टाइम है वो सेकेंड्स में काउंट किया जाता है। 60 सेकेंड हो जाएँ तो 1 मिनट हो जाता है, 60 मिनट हो जाएँ तो 1 आवर हो जाता है, तो इसी तरीके से 24 आवर्स हो जाएं तो 1 डे हो जाता है, और मज़ीद फर्दर आपको पता है ना कि फिर 30 डेज़ हो जाएं तो 1 मंथ हो जाता है, 12 मंथ्स हो जाएं तो 1 ईयर हो जाता है। इसी तरह हमारी मेजरमेंट का जो स्केल है वो बड़ा होता जाता है हर मेजरमेंट में, ठीक है, लेंथ में भी, मास में भी, वॉल्यूम में भी और टाइम में भी। तो इन द चैप्टर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे।
आपने इन चारों चीज़ों को जहन में रखना है कि क्या चीज़ क्या है और क्या चीज़ क्यों हम फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टीचर विल कॉल यू फॉर द अपडेट. आप उनको गाइड करेंगे आपने क्या पढ़ा था. अल्लाह हाफिज़.